हेलो फ्रेंड्स, टीम गेटमा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं हूं आशीष। आज मैं और मेरी टीम है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। मेडिकल कॉलेज की रिव्यू की जर्नी में हम लोग पहुंचे हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इस कैंपस में। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा है कि मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन एक बहुत ही टफ टास्क होता है। इसलिए भी होता है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे कॉलेज को जा करके रिव्यू करो और तब जाके डिसीजन बना पाओ। लेकिन इसी चीज़ में गेटमा यूनिवर्सिटी की टीम का ये जो कांस्टेंट एफर्ट है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी है, इतना टफ कंडीशन होता है, अलग अलग जगह हम ट्रैवल करके जाते हैं और जा करके इनकी कंप्लीट जो एक रिव्यू होती है, जो रियलिटी, वो आप तक लेकर के आते हैं। तो बात करते हैं रिम्स रायपुर की। 2016 में स्टैब्लिश किया गया था इस कॉलेज को और करेंटली यूजी में 150 सीट्स का इनटेक है। पीजी की बात करें तो 57 आपको यहाँ पे पीजी की सीट्स भी मिलेंगी और कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी है जैसे डर्मेटोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं की गई है और पल्मोनोलॉजी स्टार्ट नहीं किया गया है, साइकेट्री स्टार्ट नहीं किया गया है। गोइंग फॉरवर्ड इन सब डिपार्टमेंट को भी लग रहा है कि स्टार्ट किया जाएगा। अब कॉलेज 7 साल हो चुका है एस्टैब्लिश किए हुए और जब कोई कॉलेज आप जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को आप रिव्यू करते हैं कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेशेंट का फ्लो कैसा है, कैसा सपोर्ट आपको मिलता है वहाँ पे, लिविंग कंडीशंस कैसी है, कनेक्टिविटी कैसा है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि लास्ट में आपको हमारा एक कंप्लीट रिव्यू का एक चार्ट दिखेगा जहाँ पे आपको बहुत इनपुट मिलेगी। तो पढ़ाई के बारे में बताता हूँ, क्या कि स्टूडेंट्स ने कहा कि उसमें कोई उनको गैप नहीं मिल रहा है, फैकल्टी अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो ये सॉर्टेड है। क्लिनिकल पार्ट को लेकर के मैं बताता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी बहुत काम होना बाकी है। इसके लिए एक बहुत ही मैं बोलूँगा क्या कि एक चैलेंजिंग टास्क है कॉलेज को, क्योंकि ये कॉलेज लोकेटेड है वो अबाउट 24-25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन सिटी। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा यही चैलेंज होगा क्योंकि आसपास की लोकेलिटी में कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है नहीं, लोग इतने रहते नहीं हैं, तो पॉपुलेशन का जो एक आउटफ्लो है यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है जिसके वजह से आप वॉक इन पेशेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट करें। फिर भी थोड़े मोड़े पेशेंट्स हमें नज़र आ रहे थे यहाँ पे ओपीडी में, बट वो इतने नंबर नहीं थे जिसको कि हम ओवरवेलमिंग कहें। आईपीडी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट को वार्ड में जो एडमिटेड हैं, इसके लिए कॉलेज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है क्योंकि यहाँ पे वो कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग के द्वारा वो पेशेंट्स को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्स क्लिनिक में आपको पेशेंट नज़र आएंगे, जनरल मेडिसिन में पेशेंट नज़र आएंगे, जनरल सर्जरी में भी पेशेंट नज़र आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने देखा कि आईपीडी में आपका ऑन एन एवरेज मुझे लगता है क्या कि 35-40% का आपका एक ऑक्यूपेंसी रेट है यहाँ पे। चूँकि कॉलेज 7 साल हो चुका है, जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, मुझे लगता है क्या कि अभी इनको और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आसपास की लोकेलिटी को भी डेवलप होना, क्योंकि ये कंप्लीट एक पैकेज जैसा होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पे अगर डेवलप हो रही है तो कॉलेज भी डेवलप करता रहता है। तो क्लिनिकल पार्ट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मैं बताता हूँ कि लेआउट, कॉलेज का कैंपस बड़ा कैंपस ज़रूर है और मुझे लगता है क्या कि इसे और भी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव बनाया जा सकता है और अगर इसमें एफर्ट अगर लगाएं तो ये सब सारी चीज़ें भी डेवलप करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक है और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एकेडमिक ब्लॉक है और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स का हॉस्टल पहले है, ये टीचिंग फैकल्टीज के लिए है, फिर आगे गर्ल्स हॉस्टल है, फिर उसके आगे बॉयज़ हॉस्टल है और बीच में ये प्ले एरिया भी है। काफ़ी अच्छा सा प्ले एरिया है जो कई कॉलेजेस में मिसिंग होता है, तो ये एक मुझे काफ़ी प्ले एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप पढ़ाई करते इतना टफ आपका कोर्स होता है और उसके बीच में अगर आपको थोड़ा एक टाइम मिले किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की, तो इससे आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अभी आप जो देख रहे हैं ये लेक्चर हॉल है, यहाँ पे 4 लेक्चर हॉल हैं और जिसमें होते हैं और हॉस्पिटल में डेमो क्लासेस भी हैं, जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे डेमो क्लासेस आपकी चलते रहते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग पहले जो प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग थर्ड ईयर से पोस्टिंग होती थी, अब तो फर्स्ट ईयर से पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट से हमने फीडबैक लिया उनका यही कहना था कि आप जितना इंटरेस्टेड हो करके, आप जितना अपने आप को इंक्लूसिव बना करके चलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस हैं, केसेस आपको मिलेंगे, बट आपको उसके ऊपर में एफर्ट लगाना
ना आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है कि आप सीखना चाहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलेज का ये जो एकेडमिक पार्ट है और जो हॉस्टल है और जो स्पोर्ट्स एरिया है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। बट हॉस्पिटल का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा। हमें तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है, जिस तरीके से मेंटेन किया गया, वो मुझे लगता है क्या कि बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया है और डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी नहीं हुई है। जो लेआउट है वो बहुत ज़्यादा आपको इंप्रेसिव नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा क्या कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अगर आप देखेंगे ना तो आज के डेट में वो बेहतर प्लेस्ड है। तो 7 साल के टाइम फ्रेम में अगर किसी कॉलेज को कम्प्लीटली अपने ग्रोथ को जस्टिफाई करना है तो हर सेगमेंट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने एकेडमिक के ऊपर में ध्यान दिया है, आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, बट आपको उनके लिए वो फैसिलिटीज़ भी देनी होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, तब जाकर के लोगों को लगेगा कि यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं इस कॉलेज की कॉस्ट और कट ऑफ के ऊपर में। कट ऑफ इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो रहा था वो 492 का था और सबसे लोएस्ट कट ऑफ मोपअप राउंड में थी। हालांकि मोपअप राउंड के बाद में स्टे राउंड को भी कंडक्ट किया गया था, जहां पे एक नंबर से और कट ऑफ ड्रॉप हुई थी, 491 पे आखिरी सीट यहां पे अलॉट हुई थी इस मेडिकल कॉलेज में। कॉस्ट की बात करते हैं तो नियरली 60 लाख रुपीज का आपका टोटल कॉस्ट आएगा आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का। अब मैं आपको बताता हूँ रिम्स रायपुर की कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशंस के बारे में। देखिए सिटी काफ़ी अच्छी है, रायपुर काफ़ी वेल डेवलप सिटी है। सिटी के अंदर में आप जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे वो फुलफिल जरूर होगी, क्योंकि ये स्टेट कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कनेक्टिविटी और आपका लिविंग कंडीशन तो सिटी के अंदर में काफ़ी अच्छा है, एयरपोर्ट है, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी हुई है। अब बात करते हैं इस कॉलेज से कनेक्टिविटी की। इस कॉलेज में आने के लिए आपको मेन सिटी से टैक्सी करना होगा, यहाँ से वापस जाने के लिए डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि टैक्सीज वगैरह आपको इजीली मिलेंगे नहीं, तो आपको पर्सनल कैब रखना होगा रिटर्न होने के लिए भी। स्टूडेंट्स से हमने पूछा जो यहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे कम्यूट करते हैं, तो उनका कहना है कि उनके कई ऑटोस वाले हैं जिनसे उनकी कॉन्टैक्ट बनी हुई है, तो कभी भी उनको जाना होता है तो उनको कॉल कर लेते हैं। तो थोड़ी डिफिकल्टी तो ज़रूर है यहाँ से कम्यूट करने में, तो वो वंस इन ए वाइल की प्रॉब्लम है, डेली अफेयर में आपके वो कहीं पर भी हिंड्रेंस नहीं हो, क्योंकि आप डेली कहीं पर इतना एक्सेस नहीं करना चाहेंगे किसी भी चीज़ को बाहर में। फूड को लेकर के ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, और साथ ही में अगर आप हॉस्टल के अलावा मेस के अलावा अगर आप बाहर से फूड मंगाना चाहें तो यहाँ पे डिलीवरीज मिलती हैं। आसपास की लोकेलिटी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड टाइम लगेगा धीरे धीरे डेवलप करने में। तो हमारा जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन रहा है इस कॉलेज को रिव्यू करने के बाद में वो ये है कि 7 साल पुराना हो चुका है ये कॉलेज। जिस हिसाब से कॉलेज को डेवलप करना चाहिए मैं बोलूँगा कि बहुत अप टू द मार्क तो नहीं है, ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है, एकेडमिकली ठीक डेवलप कर रहा है, क्लिनिकली मुझे लगता है क्या कि अभी और चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने होंगे और वहाँ पे इनको काफ़ी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और अभी ये टाइम लगेगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए तो ये एक ऑप्शन है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट पीजी प्रोग्राम में जिस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर आप एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स तो नहीं मिलेंगे। एक एवरेज नंबर है 35-40% या 30% का ऑक्यूपेंसी रेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जिस कॉस्ट पे जिस स्कोर पे ये कॉलेज मिल रहा है वो एक अच्छा स्कोर है और बजट भी बहुत लोअर साइड पे नहीं है, तो आपको इस कॉलेज को ऑप्ट करना है तो उसके साथ में आप और भी ऑप्शंस को जरूर सोच करके चलिए। साइन ऑफ करते हैं रिम्स रायपुर से, मिलते हैं अगले कॉलेज में। थैंक यू।